मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम लोग पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृथ्वी का लक्षण क्या है उसको जाना, पृथ्वी तो जाति की सिद्धि कैसी होती है उसको हमने जाना। तो ग्रंथकार आगे कहते हैं, नानेति तत्र क्षिदिर गंध हेतुर, यहाँ तक की व्याख्या हो गई। गंध हेतुर, गंध समवाय कारण मित्यर्थ, और हेतुपद क्यों दिया, पृथ्वी तो जाति को सिद्ध करने के लिए, ये सब चर्चा हमने कर लिया है। आगे ग्रंथकार नाना रूपवती मता इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। मुक्तावलीकार, नानेति शुक्र नीलाद भेदेन नाना जातीयम रूपम पृथिव्याम एव वर्तते ही न तो जलादौ तत्र शुक्लस्यैव सत्वात् पृथिव्याम तु एकस्मिन्नपि धर्मिणि पाकवशेन नाना रूप संभवात्। अब देखिये यहाँ थोड़ा सा चिंतन है। शुक्ल नीलादि भेदेन नाना जातीयम रूपम पृथिव्याम एव वर्तते, कारिका में इन्होंने कहा है नाना रूपवती मता, पृथ्वी नाना रूपवती है, ठीक है। तब आप विचार करिए, नाना रूप केवल पृथ्वी में है क्या, जल में नाना रूप है कि नहीं? रूप कहाँ कहाँ रहता है? रूप तीन जगह पर रहता है, पृथ्वी में, जल में और तेज में। तो तत्र पृथ्वीयां सप्तविधम है, पृथ्वी में सातों प्रकार के रूप है। अवासर शुक्लम जले, वासर शुक्लम तेजसी, जल में अवासर शुक्ल रूप रहता है, तेज में वासर शुक्ल रूप रहता है। किंतु नाना रूप का आश्रय केवल पृथ्वी है क्या, जल नाना रूप का आश्रय नहीं है क्या? इस पर थोड़ा विचार करें तो देखिए, थोड़ा चिंतन करने पर यह पता लगता है कि पानी जो जल है वो सब भिन्न भिन्न है। नदी का जल भिन्न है, कुआं का जल भिन्न है, तालाब का जल भिन्न है, समुद्र का जल भिन्न है, जो पहाड़ों में बर्फ के रूप में जल भिन्न है। वहां तक मत जाइए, आपके कमरे में जैसे आप जब भोजन परोसते हैं तो 10 लोगों के लिए भोजन परोसा तो 10 लोगों के लिए आप 10 गिलास में पानी देते हैं, तो प्रत्येक गिलास में जो पानी है वो सब भिन्न भिन्न है, एक ही नहीं है। यदि एक होता तो एक आदमी पानी पी लेने पर सब खत्म हो जाता, किंतु ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जब एक गिलास पानी पी लेता है तो फिर 10 गिलास खत्म हो जाना चाहिए, यदि एक ही है तो, ऐसा तो है नहीं। प्रत्येक गिलास में जो पानी है भिन्न भिन्न है, प्रत्येक पात्र में जो जल है वो भिन्न भिन्न है, तो प्रत्येक में जो रूप है वो भी भिन्न भिन्न है। जब आश्रय द्रव्य भिन्न भिन्न हो जाता है तो उसका जो गुण है वो भी भिन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो घट है, दोनों घट लाल है, रक्त घट है, किंतु दोनों घट में रहने वाले जो रक्त रूप है दोनों एक ही है कि भिन्न भिन्न है? दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों समान है, दोनों सजातीय है, किंतु दो भिन्न भिन्न है। क्योंकि यदि एक मानेंगे तो एक के घट के नाश होने पर उस घट का रूप नष्ट हो गया, तो दूसरा जो घट है उसमें तो अभी रूप बना हुआ है। इससे क्या सिद्ध होता है कि रूप प्रत्येक द्रव्य में रहने वाला भिन्न भिन्न होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल में रूप है और प्रत्येक जल में रहने वाला रूप भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार की व्याख्या आप तेज में भी कर सकते हैं। तेज में यद्यपि एक जातीय रूप है भास्वर शुक्लम, तथापि प्रत्येक तेज भिन्न भिन्न है, क्योंकि तेज अवयवी है, परमाणु द्रणु त्रिणु क्रम से तेज की उत्पत्ति होती है। तो तेज अवयवी भिन्न भिन्न होता है, तो प्रत्येक अवयवी में रहने वाला जो रूप होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो नाना रूपवत्वम जिस प्रकार से पृथ्वी में है उसी प्रकार से नाना रूपवत्वम जल में भी है और तेज में भी है, ठीक है। तो ये जो लक्षण है, यदि हम इसको लक्षण मानते हैं, नाना रूपवत्तम पृथ्वी लक्षण, इस प्रकार से यदि हम इसको ग्रहण करते हैं तब तो इस लक्षण की जल में और तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये ग्रंथकार का आशय है। इसलिए उन्होंने व्याख्या करते समय में क्या कहा, शुक्ल नीलादि भेदे न नाना जातीयम रूपम पृथ्वीयाम एव वर्तते, ठीक है। नाना जातीय रूप जो है पृथ्वी में है, नाना रूप पृथ्वी में है, ठीक है, जल में भी नाना रूप है, तेज में भी नाना रूप है, किंतु नाना जातीय जो रूप है वो केवल पृथ्वी में है। पृथ्वी में नाना जातीय रूप है, शुक्लत्वावच्छिन्न, नीलत्वावच्छिन्न, पीतत्वावच्छिन्न, ये 7 प्रकार के जो रूप है, भिन्न भिन्न जातीय जो रूप है वो पृथ्वी में रहते हैं, किंतु जल में केवल एक जातीय रूप है, तेज में एक जातीय रूप है, नाना जातीय रूप नहीं है। अतः नाना रूपवती का अर्थ समझना चाहिए, नाना जातीय रूपम पृथ्वीयाम एव वर्तते न तो जलादौ कुतः तत्र शुक्लस्यैव सत्वात्, जल में केवल शुक्ल रूप है, एक सजातीय, एक जातीय शुक्लत्व जाति विशिष्ट जो शुक्ल है वही जल में है और शुक्ल रूप ही तेज में भी है। पृथ्वीयाम तु
अब यहाँ तक के बाद एक और प्रश्न हमको बनाना है, तब जाकर आगे की पंक्ति हमको समझ में आएगी। ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी हम तो एकस्मिन अभी धर्मिणी पाक बसे नाना रूप समवात। अब इसको लक्षण के दृष्टिकोण से व्याख्या करना है हमको, नाना रूपवत्तम को यदि भी उसकी नाना जातीय समझा दिया, व्याख्या के रूप में समझ में आ गया, किंतु लक्षण इसको हम बना सकते कि नहीं बना सकते। यहाँ पर देखिए ग्रंथकार की जो शैली है विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य की, पृथ्वी के बारे में कुछ भी बात कही जाए उन सबको लक्षण दृष्टि से देखना चाहते हैं। यदि भी गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण हमने लक्षण बना दिया, उसका हमने परिष्कार कर दिया तो हमारे लिए पर्याप्त है, किंतु वो विद्यार्थियों को ऐसा समझाना चाहते हैं कि देखिए कि हम पृथ्वी का लक्षण कई प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शैली सिखा रहे हैं, अनेक लक्षण बना रहे हैं, तो अनेक लक्षण बनाने का उद्देश्य क्या है, अनेक लक्ष्य एक ही लक्ष्य का अनेक लक्षण बन सकता है, वो दृष्टिकोण हमको देना चाहते हैं। ठीक है, तो नाना जातीय जो रूप है वो पृथ्वी में विद्यमान है, ये तो इन्होंने यहाँ पर कहा। अब प्रश्न यहाँ पर हमको क्या करना है कि चलो इसको लक्षण मानते हैं, तो लक्षण क्या बनेगा, नाना रूपवत्तम पृथ्वी लक्षण। ठीक, नाना रूपवत्तम पृथ्वी लक्षण ऐसा हमारा लक्षण बनेगा। जब नाना रूपवत्तम पृथ्वी लक्षण ऐसा हमारा लक्षण बनेगा तो पृथ्वी में भी तो नाना रूप नहीं है। अब देखिए विपरीत प्रश्न उठाना है। ठीक है, थोड़ा पहले हम लोगों ने जल में भी नाना रूप है ऐसा प्रश्न उठाया था, अब हमको थोड़ा विपरीत प्रश्न उठाना है, आप पृथ्वी में भी तो नाना रूप की सिद्धि कैसे कर सकते हो। यदि हम लक्षण बना दें नाना रूपवत्तम पृथ्वी लक्षण, तो पृथ्वी में भी नाना रूप नहीं है, जल की बात तो दूसरी बात है। अब कहेंगे कैसे, आप कैसी बात कर रहे हो, पृथ्वी में तो नाना रूप है ही है। ठीक, तो आप देखिए जैसे पृथ्वी कोई एक चीज नहीं है, पृथ्वी में भी नाना रूपत्व नहीं है। ठीक है, कैसे, पृथ्वी में तो नाना रूपत्व है, आप खुद ही बोल रहे हो कि पृथ्वी में नाना रूप रहता है, नाना रूपत्व मतलब व्याख्या भी कर रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है, और शुक्ल नीलादि भेदना नाना जातीय रूपम पृथ्वी में वर्तते, ये भी कहा। किंतु यहाँ पर आपको एक प्रश्न करना है कि देखो आप कौन सी एक भी कोई पृथ्वी हमको दिखा दो जहां पर नाना रूप है, जैसे घाट है, घाट हमारा लक्ष्य है क्योंकि प्रत्येक पृथ्वी हमारा लक्ष्य है, तो एक भी ऐसी पृथ्वी नहीं है जिसमें नाना रूप रहे, क्योंकि घाट एक पृथ्वी है तो घाट में कोई एक रूप रहेगा, चाहे रक्त रूप रहेगा, चाहे श्याम रूप रहेगा, जो भी रूप रहे, कई सात में से कोई भी हो सकता है, किंतु एक ही रूप रहेगा, नाना रूप नहीं रहेगा। पट को आप दे लो, पट में भी एक ही रूप रहेगा, नाना रूप तो रह नहीं सकता। तो कौन सी ऐसी पृथ्वी है, भिन्न भिन्न पृथ्वी में भिन्न भिन्न नाना रूप है, जैसे घाट रक्त हो गया, पट पीत हो गया, फिर कोई दूसरा पृथ्वी शुक्ल हो गया है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न पृथ्वी में भिन्न भिन्न रूप है, यह तो हमको समझ में आ रहा है। किंतु नाना रूपवत्तम को लक्षण बनाते हैं तो लक्ष्य तो प्रत्येक पृथ्वी है, प्रत्येक घट हमारा लक्ष्य है, एक एक घट एक पट, तो उसमें किसी में भी कोई भी ऐसी पृथ्वी नहीं है, कोई भी ऐसा घट नहीं है जिसमें नाना रूप रहता हो, क्योंकि आपको पता है क्योंकि रूप व्यापक वृत्ति होता है, समग्र में व्याप्त होकर के रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाना रूपत्व कहीं पर भी पृथ्वी में नहीं जा रहा है, तो ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर यहाँ पर ग्रंथकार को देना है, पृथ्वी हम तो एकस्मिन अपि धर्मिणी पाक बसेना नाना रूप समवात। देखो पृथ्वी में पाक होता है, ठीक है, मैंने आपको कल कहा था कि पाक का वीडियो आप देख करके आप लोगों ने देखा होगा, तो पृथ्वी में पाक होता है, पृथ्वी में पाक, तो पाक आप जानते हैं, पाक को नाम विजातीय तेज संयोग, हम विलक्षण तेज संयोग को हम पाक कहते हैं, और पाक होने से रूपादि का परिवर्तन होता है, रूप रस गंध स्पर्श चार का परिवर्तन होता है। तो एक ही घट है, तो एक ही घट है, उसमें पूर्व में श्याम रूप था, बाद में पाक होने पर रक्त रूप की उत्पत्ति हो गई, तो घट एक ही है, वही घट है, काल भेदेन भिन्न भिन्न काल में, पूर्व काल में उसमें श्याम रूप था, पश्चात काल में उसमें रक्त रूप है, इस प्रकार से काल भेदेन एकस्मिन अपि धर्मिणी, एक जो धर्मी है, एक जो आश्रय है, उसमें पाक के कारण नाना रूप की उत्पत्ति संभव है। तो गाढ़ा में पहले श्याम रूप था, बाद में रक्त रूप हो गया, तो कम से कम दो रूप होने से नाना रूप तो उसमें आ जाएगा, फिर पाक होता रहेगा तो फिर रूप का परिवर्तन उसमें हो सकता है, इस प्रकार से नाना रूपत्व पृथ्वी में संभव है, जल में और तेज में नाना रूपत्व संभव नहीं है, क्योंकि जल में पाक नहीं होता, तेज में भी पाक नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं पूर्व पक्ष, न तसे प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न क्या उठा रहे हैं, यत्र नाना रूपम नोत्पन्नम तत्र अव्याप्ति दिवाच्यम। ठीक है, लक्षण के दृष्टिकोण से व्याख्या हो रही है, इस प्रकार की व्याख्या करना वास्तव में बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, वो सिखा रहे हैं बच्चों की कि आप इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हो, क्योंकि लक्षण की चर्चा हम गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण में कर चुके हैं, अब नाना रूपवत्तम पृथ्वी लक्षण इसको लक्षण मान करके व्याख्या कर रहे हैं,
तो नाना रूपत्वम पृथ्वी लक्षण करने पर पहले हमको क्या प्रश्न उठाना है कि पृथ्वी में नाना रूप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पृथ्वी में भिन्न भिन्न रूप रहता है, तो एक पृथ्वी में एक ही रूप रहता है, तो नाना रूपत्व पृथ्वी में नहीं है, ये आपको प्रश्न उठाना है। तो इसके लिए ग्रंथकार ने समाधान दे दिया कि पृथ्वी में पाक होने के कारण एक ही धर्मी में नाना रूप संभव है। ठीक है, हो गया काम। अब आपको फिर प्रश्न उठाना है, न तो यत्र नाना रूपम नोत्पन्नम, ऐसा कोई घट, ऐसा कोई पट जिसमें कभी पाक हुआ ही नहीं। जैसे पट ले लीजिए, ठीक है, पट में सामान्यतः तो पाक नहीं होता है, कदाचित होता भी है। जैसे मान लीजिए सफेद रुई है, तो कपास है, कपास से धागा बनाया, फिर उससे कपड़ा बनाया, तो जो सफेद वस्त्र है उसमें तो पाक हुआ नहीं, उसमें जो सफेद रूप है वो तो अवयव के रूप से, अवयव में रूप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अतः तो जिसमें पाक नहीं हुआ ऐसी जो पृथ्वी है उसमें तो एक ही रूप है, उसमें नाना रूप नहीं है, तो नाना रूपत्व पक्व घट में तो चला जाएगा जिसमें पाक हुआ है, लेकिन ऐसा पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी जिसमें पाक नहीं हुआ है उसमें नाना रूपत्व नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया प्रश्न जिसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं। उसके लिए हम लक्षण का थोड़ा परिष्कार करेंगे। ठीक, रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत से विवक्षित। अब देखिए आपने शैली समझ लिया, जाति घटित लक्षण बनाना है। ठीक, रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत, रूपद्वयवत, रूपद्वय का जो आश्रय होगा, रूपद्वयवत दो रूप कहाँ रहता है, जो पक्व घाट है। सभी पृथ्वी में दो रूप नहीं रहेगा, लेकिन जिस पृथ्वी में, जिस घाट में पाक हो गया हो उस घाट में दो रूप है। पाक होने से पहले उसमें श्याम रूप था, पाक होने के बाद उसमें रक्त रूप है, तो रूपद्वयवत कौन है, पक्व घाट है। तदवृत्ति, उस पक्व घाट में रहने वाली जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, कौन जाति होगी द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, तो पृथ्वी तो जाति होगी, पक्व घट में रहने वाले जो द्रव्य तो व्यापी जाती पृथ्वी तो जाति हो गई। तो रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्य तो व्यापी जाती पृथ्वी तो जाति मिल गई। तारस जाति मत तो संपूर्ण पृथ्वी में है, पक्व घट में भी है और अपक्व घट में भी है। ठीक है, इस प्रकार से नाना रूपवत्व को यदि हम लक्षण बनाते हैं तो उसकी व्याख्या हम क्या करेंगे, परिष्कार, रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्य तो व्यापी जाति मत। ठीक है, समझ में आया। अब आगे ग्रंथकार क्या कह रहे हैं देखिए, अथवा एक विकल्प दे रहे हैं, रूप नाशवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत सेवा वाच्य। अब देखिए इसमें बहुत बढ़िया चिंतन है ना, सूक्ष्म चिंतन है। किस प्रकार से चिंतन पुराने हमारे आचार्यों ने किया है, रूप नाशवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत, ये हमको लक्षण बनाना है। एक तो बना दिया रूपद्वयवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत, इसमें अब दूसरा भी लक्षण बना रहे हैं। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब एक लक्षण बना दिया तो दूसरा क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें द्वित्व का प्रवेश है, द्वित्व अपेक्षा बुद्धि विशेष विषय तो रूप है। ठीक है, तो ये विशिष्ट छात्रों के लिए, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि शिष्य बुद्धि वैशेद्यार्थ, एक लक्षण बना दिया आप दूसरा भी लक्षण जान सकते हो, तो दोनों प्रकार से हम व्याख्या इसके कर सकते हैं। तो ये लक्षण बहुत मजेदार है। देखिए, रूपनाशवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत सेवा वाच्यत्वात्, इस लक्षण को थोड़ा समझते हैं आगे दूसरे स्लाइड में। रूपनाशवद वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत, ये हमको लेना है, रूपनाश का अधिकरण हमको बनाना है पक्को घाट। जैसे जो घाट है उसमें पाक हो गया, तो पाक होने से क्या हुआ, पूर्व रूप का नाश हो गया, तो रूपनाशवद हो गया पक्को घाट। रूपनाशवद तदवृत्ति, उस घाट में रहने वाली जो द्रव्य तो व्याप्य जाति पृथ्वी तो जाति ही, तार से जाति मत पृथ्वी में जा रहा है, लक्षण समन्वय हो रहा है। किंतु यहाँ पर आपके मन में भी प्रश्न आएगा, रूप का नाश केवल घाट में ही होता है ऐसी बात नहीं है, जल में भी रूप का नाश होता है, क्योंकि जल में जो रूप है वो तो नित्य नहीं है, जल के परमाणु में जो रूप होता है वो नित्य होता है, आपने पढ़ा होगा नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, तो जल के परमाणु में जो रूप होता है वो नित्य होता है, तेज के परमाणु में जो रूप होता है वो नित्य होता है, किंतु अवयवी जल और अवयवी तेज में जो रूप है वो अनित्य है, अनित्य होने का अर्थ क्या हुआ, वहां पर भी रूप का नाश होता है। तो रूपनाशवत जैसे पक्को घाट है, उसी प्रकार से रूपनाशवत जल भी होगा तेज भी होगा, तद्वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति, जल तो जाति तेज तो जाति भी होंगे, तद्वत तो जल तेज में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी, तो ये लक्षण आपका ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रश्न बनाना है। किंतु आप देखिए इस पर ग्रंथकार जो विचार कर रहे हैं, इन्होंने किस दृष्टिकोण से लक्षण बनाया है यहाँ पर, कि रूपनाशवत कौन होता है पहले हमको ध्यान देना है, रूप का नाश का जो अधिकरण है रूपनाशवत। ठीक है, अब देखिए रूप का नाश दो प्रकार से होता है, पृथ्वी में रूप है, जल में रूप है और तेज में रूप है, और रूप का नाश दो प्रकार से होता है सामान्यतः। पहला, आश्रय नाशात नश्यति, आश्रय के नाश होने से रूप का नाश होता है। जैसे घट में श्याम रूप है, कच्चा घट है, उसको आप प्रहार कर दीजिए किसी मुदगर आदि से, तो प्रहार करने से घट नष्ट हो गया, जब घट नष्ट हुआ तो घट में जो रूप था वो भी नष्ट हो गया,
तो घट का रूप का नाश कैसे हुआ? घट के नाश होने से, आश्रय के नाश होने से रूप नष्ट हो गया। ठीक है, जल में भी रूप का नाश होता है। जल में रूप अनित्य होने के कारण जल में रूप का नाश होता है। कैसे होता है? पहले जल का नाश होता है, उसके अंदर जल में रूप का नाश होता है। आश्रय नाशात नश्यति, इसको आश्रय नाशाधीन नाश प्रतियोगित्व कहते हैं। ठीक है, किंतु उस शब्दावली में भी जाइए, जरूरी नहीं है। तेज में भी रूप का नाश कब होता है? जब तेज का नाश होगा तब जाकर तेज में जो रूप है उसका नाश होता है। आपको ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, जल तो है लेकिन उसका रूप नष्ट हो गया, निरूप जल, ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक, उत्पत्ति कालीन भले होता है लेकिन जब रूप उत्पन्न हो जाएगा तो केवल रूप नष्ट हो गया, जल विद्यमान है, ऐसा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तेज में भी स्थिति होती नहीं। किंतु पृथ्वी में पाक होने के कारण, घाट में पाक हो गया, तो घाट में पाक हुआ मतलब अभी घाट तो विद्यमान है ना, वही घाट, पुराना घाट जिस घाट में श्याम रूप था, पाक होने के बाद भी वही घाट विद्यमान है, किंतु श्याम रूप का नाश होकर रक्त रूप की उत्पत्ति हो गई। तो आश्रय नाश के बिना भी यहाँ पर रूप का नाश हो रहा है, ये आपको भेद समझना है। दो प्रकार से रूप का नाश होता है, एक तो आश्रय के नाश होने से रूप का नाश होता है, वो सब जगह हो जाएगा, पृथ्वी में भी, जल में भी और तेज में भी। और दूसरा प्रकार है पाक होने से रूप का नाश होता है आश्रय के नाश हुए बिना, वो केवल पृथ्वी में ही संभव है। घट में पहले श्याम रूप था, पाक होने से रक्त रूप की उत्पत्ति हो गई, तो घट वही है, द्रव्य वही है, द्रव्य का नाश नहीं हुआ किंतु एक रूप का नाश होकर के रूपांतर की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दो मत है, एक वैशेषिक का मत है, पीलोभागवादी जो वैशेषिक है, और नैयायिक है पीठर भागवादी। ठीक है, एक पारिभाषिक शब्द है, पीलोभागवादी का अर्थ समझना है कि जो परमाणु में ही पाक मानते हैं। वैशेषिक क्या कहते हैं कि पाक पृथ्वी में होता है किंतु केवल परमाणु में ही पाक होता है, अवयवी में पाक नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए घड़ा है, तो घड़े को पकाने के लिए हमने भट्टी में डाल दिया, तो वैशेषिकों का कहना है कि वो अग्नि के प्रवाह के कारण, ठीक है, उसका जितने भी परमाणु का परस्पर संयोग था जिसके कारण से घड़े की उत्पत्ति हुई थी, वो सारा का सारा संयोग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने का मतलब क्या हुआ? घट नष्ट हो गया, समग्र घट नष्ट हो गया, तो केवल परमाणु बचे हुए। तो जो परमाणु है उसमें अग्नि संयोग होने से पूर्व रूप का नाश होकर के नवीन रूप की उत्पत्ति होगी, फिर द्रणुक उत्पन्न होगा, फिर त्रणुक होगा, तो फिर एक दूसरा घट बनेगा। तो पाक होने से पहले जो घड़ा हमने रखा था, और पाक होने के बाद जो हम घड़ा निकाल रहे हैं वो अलग घड़ा है, भिन्न है। पहले हमने जो पकाने के लिए भट्टी में डाला था वही घड़ा हमको नहीं मिल रहा है, अग्नि के संयोग से वो घट नष्ट हो गया। ठीक है, फिर दोबारा दूसरा जो घट हमारे सामने आया है वो दूसरा घट है। तो पुराना जो घट श्याम था वही घट रक्त हो गया, ऐसा वैशेषिक नहीं मानते। तो वैशेषिक क्या मानते हैं? घट परमाणु पर्यंत भंग भग्न हो गया, नष्ट हो गया, फिर परमाणु में पाक होकर रूप का परिवर्तन हो गया, तो परमाणु रक्त हो गए, फिर रक्त परमाणु से फिर जड़ त्रणु के क्रम से नवीन घट की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो उनके मत में, वैशेषिक के मत में, पृथ्वी के परमाणु में रूप नाश होता है, रूप नाश और रूपांतर दोनों पृथ्वी के परमाणु में संभव है, अवयवी घटपटादि में संभव नहीं है। ठीक है, और न्याय क्या कहता है? न्याय नहीं तू घटाद अभी तत्सत्वात, न्याय कहता है कि घट जब हम भट्टी में पकाने के लिए रख देते हैं तो घट का नाश होना जरूरी नहीं है, बिना घट के नाश हुए भी अग्नि अत्यंत वेगशाली है, सूक्ष्म है, इसलिए उसके अवयव अवयव के अंदर प्रविष्ट होकर के अवयव में और अवयव में एक साथ पाक करने में समर्थ होता है, उसमें घट का नाश होना जरूरी नहीं। ये दो अलग अलग सिद्धांत है, ये पीलो पाकवादी वैशेषिक है जो परमाणु में पाक मानते हैं, और पीठर पाकवादी नैयायिक है जो अवयवी में भी, यहाँ पीठर शब्द का अर्थ करना है हमको अवयवी, अवयवी में भी पाक मानने वाले नैयायिक है। ठीक है, अब जब मैं शुरू में पढ़ता था तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, घर का नाश होकर के पुनः नया घर की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग हमारा लेता नहीं, किंतु मैंने एक चिंतन किया। ठीक है, हमको एक दृष्टांत मिलता है, हिंदी में एक कहावत है, रस्सी जली ऐठे नहीं गई। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा रस्सी जो पुआल से बनाई होती रहती है उसको आग में डाल दीजिए तो आग जल गया, आग ने क्या किया? उस रस्सी को जलाया, तो जलाने के बाद आप देखते हैं तो रस्सी का जो प्रकार था, जिस प्रकार से रस्सी टेढ़ी मेढ़ी थी, मुड़ी हुई थी, वो भस्म हो जाने के बाद भी उसकी स्थिति वही रहती है। आप निकालो छुओ तो फिर आपके हाथ में केवल भस्म आएगा। ठीक है, मैंने सुना जब परमाणु विस्फोट जब हुआ था नागासाकी हिरोशिमा में, तो तेज का प्रभाव इतना ज्यादा था, कोई आदमी जब जैसा बैठा है कुर्सी में बैठा हुआ है तो वो पूरा का पूरा भस्म हो गया, लेकिन सामने वाला यदि उसको आकर देखेगा तो लगता है कि आदमी बैठा ही हुआ है,
उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। आप उसको छोड़ोगे तो आपको तो पता चला था ये तो केवल राख है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम समझते थे घट नष्ट हो जाता है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा होकर के पूरा बिखर जाएगा, फिर बाद में दोबारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, वो अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अग्नि उसके अंदर प्रवेश करने से उसका जो परमाणु का संयोग है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, फिर वो परमाणु भिन्न भिन्न अलग अलग हो जाता है। तो जब परमाणु स्वतंत्र हो जाते हैं तब आग के द्वारा उसमें पाक होता है, पाक होने से रूप का परिवर्तन होता है, फिर दोबारा वो जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, तो मुझे ये थोड़ा जचता है। ठीक है, तो आपको जैसा लगे। अब मैं जो बात कर रहा था कि वैशिष्य क्या कहते हैं कि पृथ्वी के परमाणु में ही पाक होता है, उसमें रूपनाश और रूपांतर की उत्पत्ति संभव है, और न्याय के मत में तो घट में भी पाक होता है, तो घट के नाश हुए बिना भी घट में पूर्व रूप का विनाश होकर के नवीन रूप की उत्पत्ति संभव है। तो ये सब आप समझा क्यों रहे हैं? अभी तो हम इस लक्षण की चर्चा कर रहे हैं ना, हमको तो रूपनाश वृत्ति द्रव्य तो व्यापी जाति मतम इस लक्षण का समन्वय करना है। तो इसमें आप इन मतों को, न्याय मत वैशेषिक मतों को हमको समझा क्यों रहे हैं, ये प्रश्न आपके मन में आएगा। ठीक, तो कहते हैं देखिए, हमको रूपनाशवत लेना है, रूपनाश का आश्रय। तो नाश कहाँ रहता है, ध्वंस कहाँ रहता है? ध्वंस हमेशा अपने प्रतियोगी के समवाय कारण में रहता है। जैसे घट का ध्वंस कहाँ रहेगा, घट का ध्वंस कपाल में। ठीक है, घट का ध्वंस हो गया, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं, तो वो जो टुकड़ा है उसी में घट का ध्वंस है। घट का ध्वंस हुआ तो घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन हो गया, घट। उस घट का जो समवाय कारण है कपाल मिट्टी, उस मिट्टी में घट का ध्वंस रहता है। तो ध्वंस अपने प्रतियोगी के समवाय कारण में रहता है। ठीक, अब मान लीजिए जो घट था, घट में रूप का नाश हो गया, रूप नाश हुआ, तो रूपनाश कहाँ रहेगा, रूपनाश का जो प्रतियोगी रूप, उस रूप का जो आश्रय है, रूप कहाँ था नष्ट होने से पहले, घट में। प्रतियोगी का जो समवाय कारण घट है, उस घट में रूप था, तो उस रूप का नाश भी कहाँ रहेगा, उसी घट में रहेगा। जहां पर प्रतियोगी था ध्वंस भी वहीं रहता है। अतः घाट को आपने पकाया, घाट में पाक हो गया, नैयाय की मत से घाट में पाक हुआ और वैशेषिक मत से परमाणु में पाक हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैशेषिक मत में यहाँ पक्को घाट की जगह पक्को परमाणु लेना है आपको, और नैयाय की मत में तो परमाणु में भी पाक होता है और घाट में भी पाक होता है, दोनों को आप ले सकते हैं। तो हम लोग परमाणु को ले लेते हैं, तो पक्को परमाणु, जिस परमाणु में पाक हुआ उसमें रूप का नाश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्योंकि परमाणु में पहले श्याम रूप था, श्याम रूप का नाश हो गया, वो नाश कहाँ रहेगा, नाश का आश्रय कौन होगा, वो परमाणु होगा। तो रूप नाशवत पक्को परमाणु हो गया, पार्थिव परमाणु जिसमें पाक हुआ, तद विवृत्ति जो द्रव्य तो व्याप्य जाति पृथ्वी तो जाति, तार जाति मतलब पृथ्वी में मिल जाएगा। ठीक, अब प्रश्न जो पहले हमने कहा था कि जल में भी तो रूप का नाश होता है, तेज में भी तो रूप का नाश होता है, तो रूप नाशवत जल भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। तो कहते हैं देखिए नहीं, रूप का, जल में रूप का नाश होता है, जल का जो रूप है उसका नाश होता है, ठीक, किंतु रूप नाश का अधिकरण जल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जल में रूप का नाश कब होता है, पहले जल का नाश होगा उसके अनंतर रूप का नाश होगा। तो रूप नाश का अधिकरण आप किसको बनाना चाहते हैं, जल को बनाना चाहते हैं, किंतु जब रूप का नाश होगा वो जल में आएगा बैठने के लिए, कि हमारा आश्रय तो जल है, अपने प्रतियोगी के समवाय कारण में आएगा, तो जल तब तक रहेगा ही नहीं, तो जल तो है ही नहीं। जिस जल में हम रूप नाश को रखना चाहते हैं वो जल पहले ही नष्ट हो चुका, तो रूप नाश का आश्रय जल नहीं बन सकता। तेज में रूप का नाश कब होता है, जब पहले तेज का नाश होगा बाद में रूप का नाश होगा, तो रूप नाश का आश्रय तेज नहीं हो सकता। घाट में भी लीजिए, घाट का नाश हो गया, कैसे नाश हुआ घाट का, कि दंड के प्रहार करने से घाट नष्ट हो गया, श्याम घाट, उसमें पाक नहीं हुआ था, तो उसमें रूप का नाश हुआ, तो रूप नाश का अधिकरण घट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि पहले घट का नाश हुआ उसके अनंतर रूप का नाश हुआ। तो वहां पर रूप नाश का आश्रय घट को हम बनाए नहीं सकते। तो जहां पर आपको अभी तक समझ में आया होगा, जहां पर आश्रय के नाश होने से रूप का नाश होता है, रूपादि का नाश होता है, रूप रस गंध स्पर्श किसी का भी, वहां पर नाश का आश्रय वह व्यक्ति वह द्रव्य बन नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति पहले नष्ट हो चुका है। किंतु जहां पर पाक होता है वहां पर घट का नाश हुए बगैर, अथवा वैशेषिक मत में परमाणु का नाश हुए बिना, परमाणु का नाश तो कभी होना ही नहीं है, इसलिए रूप नाश का आश्रय पक्को घट नैयायिक की मत में अथवा वैशेषिक मत में पक्को परमाणु बन जाएगा। तो रूप नाश का आश्रय केवल पृथ्वी ही बनेगा, चाहे वो घट हो अथवा परमाणु ही हो अथवा परमाणु हो। इस प्रकार से रूप नाशवत कौन हुआ, घट हुआ अथवा परमाणु हुआ, तद्वृत्ति जो द्रव्य तो व्याप्य जाती पृथ्वी तो जाती, तार से जाति मत तो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, तो रूप नाशवत वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत ऐसे पृथ्वी का लक्षण हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए
तो ये थोड़ा इसमें इस चिंतन मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना बढ़िया सूक्ष्म चिंतन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं। षड विदस्तु रसस्तत्र गंधस्तु द्विविधो मता। तो नाना रूपवती मता की व्याख्या हो गई, षड विदस्तु रसस्तत्र। अब जिस प्रकार की व्याख्या हमने रूप में की है उसी प्रकार की व्याख्या हम रस में भी करेंगे। तो षड विद इति मधुरादि भेदेन या षड विदो रस पृथिव्यामेव। ठीक है, तो छह प्रकार के जो रस हैं, मधुर अम्ल लवण कटुका से अतिक्त, वो छह प्रकार के रस पृथ्वी में रहते हैं, भिन्न भिन्न पृथ्वी में, है ना। वहां प्रश्न आपको पहले एक तरह करना है, एक ही पृथ्वी में नाना रस होता नहीं, भिन्न भिन्न पृथ्वी में भिन्न भिन्न रस होता है। अब ना इसलिए नाना जातीय रस हमको कहना चाहिए। फिर वो प्रश्न आप दोबारा बना सकते हैं कि नाना जातीय भी कैसे कहेंगे, एक तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा एक कोई पृथ्वी नहीं है जिसमें नाना रस रहे, तो उसका परिष्कार करेंगे, यहाँ पर ग्रंथकार परिष्कार बताएंगे। तो सामान्य रूप से पहले बता रहे हैं कि मधुरादि भेदना जो छह प्रकार के रस होते हैं, वो छह प्रकार के रस पृथ्वी में ही होते हैं। जले मधुर एव रसः, जल में केवल मधुर रस ही रहता है। ठीक है, एक जातीय अत्रापि पूर्ववत। अब यहाँ पर भी नाना रसवत्वम ऐसा लक्षण आपका बनेगा। ठीक है, नाना रसवत्वम लक्षण बनाएंगे यदि बनाने की इच्छा हो तो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, वो केवल आपको शैली बता रहे हैं ग्रंथकार। तो नाना रसवत्व में लक्षण बनाएंगे तो कोई भी ऐसा ऐसी पृथ्वी नहीं है, कोई भी ऐसा घट नहीं है ना, कोई भी ऐसा फल नहीं है जिसमें कि नाना रस रहता हो। ठीक है, रस के लिए कम से कम हमने सोचा कि क्यों घट घट बोले, फल बोल दिया जाए, है ना। तो ना इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रसद्वयवत द्रव्य जाति मत्वम। तो रसद्वयवत कौन है, पक्व फल, जिस फल में पाक हो गया है। ठीक है, पहले फल हरा था, बाद में पाक पक करके पीला हो गया, कोई आम आदि लीजिए आम्रफल। ठीक है, तो उसमें दो रस रहेगा। ठीक है, रसद्वयवत पक्व फल हो गया, तदवृत्ति जो द्रव्य तो व्याप्य जाती है पृथ्वी तो जाती है, तार जाति मत तो पृथ्वी में जाएगा, जल में पाक नहीं होता, इसलिए रसद्वयवत हम जल को नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार से आप रसनाशवत वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मत, ये भी कह सकते हैं, ग्रंथकार ने इसको बताया नहीं, तो हमने जान लिया कि रसनाशवत कौन होगा, पक्व फल होगा अथवा पक्व परमाणु होगा। जब परमाणु में पाक हो जाएगा तो उसमें रस का नाश होता है, तो रस नाश का आश्रय परमाणु बन सकता है वैशेषिक मत में, और नैयायिक मत में फल भी बन सकता है। तो रस नाशवत फल हो गया। ठीक है, पक्व फल तदवृत्ति जो द्रव्य तो व्यापे जाती पृथ्वी तो जाती तार से जाती मत पृथ्वी में चला जाएगा, इस प्रकार से हम लक्षण बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विविधा इति गंधस्तु द्विविधो मत। द्विविधा इति वस्तु स्थिति मात्रम न तो द्विविधा गंधवत्म लक्षणम। तो किसी ने यहाँ पर सोचा कि जैसे आपने नाना रूपवत्म लक्षण बनाया पृथ्वी का और नाना रसवत्म लक्षण बनाया पृथ्वी का, उसी प्रकार से गंधस्तु द्विविधो मत, पृथ्वी में दो प्रकार का गंध है, तो द्विविधा गंधवत्म पृथ्वी लक्षण ऐसा लक्षण बन सकता है। इसलिए ग्रंथकार पहले स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो द्विविधा हमने कहा है वो वस्तु स्थिति है, कि गंध दो प्रकार के होते हैं, लक्षण में हमको द्विविधा गंधवत्व बनाने की जरूरत नहीं, केवल गंधवत्व इतना ही कहने पर अव्याप्ति अतिव्याप्ति असमवा आदि दोष नहीं होते हैं। अतः द्विविध पद लक्षण में देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्षण में द्विविधत्व व्यर्थ हो जाता है, वो स्वरूप कथन है, वस्तु स्थिति है कि गंध दो प्रकार का होता है। ठीक है, द्विविध क्या क्या है, कौन कौन से दो प्रकार के गंध होते हैं, तो सौरभ और असौरभ, सुगंध और दुर्गंध, सौरव और असौरव के भेद से सौरवा सौरव भेद ना दो प्रकार के गंध होते हैं। ठीक है, तो ये विषय अत्यंत सामान्य विषय है, आप सब लोग इसको जानते हैं, जो भी तर्क संग्रह पढ़ा है वो जानता ही। स्पर्श तस्यास्त विज्ञेयो हेनुष्णाशीत भागज, स्पर्श इति तस्यः पृथ्वीयः अनुष्णाशीत स्पर्शवत्व वायु अभिवर्तत इत्युक्तं पागज इति। अब देखिए, अब ये लक्षण बनाया इन्होंने, स्पर्श तस्यास्त विज्ञेयो हेनुष्णाशीत भागज, पृथ्वी का जो स्पर्श है वो क्या है, अनुष्णा शीत पाकज, तो पाकज अनुष्णा शीत स्पर्शवत्व में से हम लक्षण बना देंगे पृथ्वी का। पृथ्वी का स्पर्श पाकज है और अनुष्णा शीत है। ठीक है, आप जानते हैं अनुष्णा शीत स्पर्श जो है पृथ्वी और वायु में, तो पाकज अनुष्णा शीत स्पर्शवत्व पृथ्वी का लक्षण, ऐसे हमको लक्षण बनाना है इस कारिका के आधार पर। तो प्रश्न अब ग्रंथकार पदीकृत कर रहे हैं, पाकज पद क्यों दिया, पाकज हटा दीजिए, तो लक्षण क्या बनेगा, अनुष्णा शीत स्पर्शवत्व पृथ्वी का लक्षण इतना बनेगा। तो अनुष्णा शीत स्पर्श तो वायु में भी है ना, वायु में भी तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी, जल में शीत स्पर्श है और तेज में उष्ण स्पर्श है, और वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श है, पृथ्वी और वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श है। तो अनुष्णा शीत स्पर्शवत्वम इतना ही हम लक्षण बनाएंगे, तो ये लक्षण कहाँ जाएगा, वायु में भी चला जाएगा, इसलिए हमको क्या कहना चाहिए, पाकज अनुष्णा शीत स्पर्शवत्वम ऐसा लक्षण बनाना चाहिए। तो वायु का जो स्पर्श है वो अनुष्णा शीत स्पर्श तो है किंतु पाकज नहीं, पृथ्वी का जो स्पर्श है वो पाकज होता है। यद्यपि सभी पृथ्वी का स्पर्श पाकज होता है ऐसी बात नहीं है, किंतु
पृथ्वी में पाक होता है, इसलिए पृथ्वी के स्पर्श पागज होते हैं। तो पागज स्पर्श वत्त तो पृथ्वी में जाएगा, वायु में नहीं जाएगा। ठीक है, अब फिर प्रश्न करिए, अनुशासित स्पर्श को हटा दीजिए, अनुशासित को हटा दीजिए, केवल पागज स्पर्श वत्तम पृथ्वी अलक्षम कहिए, पागज स्पर्श वत्तम। अब विचार करिए, देखिए पागज स्पर्श कहाँ है, पागज स्पर्श केवल पृथ्वी में ही, क्योंकि जल में भी पाक नहीं होता, तेज में भी पाक नहीं होता और वायु में भी पाक नहीं होता। तो पागज स्पर्श कहाँ है, केवल पृथ्वी में है। तो पागज स्पर्श वत्त पृथ्वी में जा रहा है, तो अनुशासित पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दोष नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ग्रंथकार कहते हैं इत्थम च पृथ्वी स्पर्शो अनुशासित ज्ञापनार्थम तदुक्तम। तो यहाँ पर भी पागद स्पर्श मात्रम तो लक्षणम, लक्षण जब हम बनाएंगे तो केवल पागद स्पर्श वत्तम इतने लक्षण बनाएंगे, अनुशासित पद लक्षण में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा क्यों, तो कहा इसलिए कि केवल पागद स्पर्श वत्तम कहेंगे तो हमको इतना तो पता चलेगा कि पृथ्वी का स्पर्श पागद है, किंतु कौन सा है, शीत स्पर्श है कि उष्ण स्पर्श है, अनुशासित स्पर्श है, उसका स्वभाव है, उसके बारे में हम परिचित नहीं होंगे, इसलिए ज्ञापन करने के लिए कि पृथ्वी का स्पर्श अनुशासित स्पर्श होता है, इत्थम च पृथ्वी स्पर्श अनुशासित ज्ञापनार्थम तदुक्तम। ठीक है, तो लक्षण इतना ही है, पागद स्पर्शवत्तम पृथ्वी लक्षणम, इतना लक्षण बनाने पर कोई दोष नहीं है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असमवादी दोष नहीं है, जिसका वारण करने के लिए हमको अनुशासित की आवश्यकता हो। ठीक, अधिकस्य बह्यर्थात्, अनुशासित जो अधिक है वो लक्षण में व्यर्थ है। किंतु अभी प्रश्न आएगा, यद्यपि से प्रश्न उठा रहे हैं, क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि पृथ्वी, आप तो पागद स्पर्शवत्तम पृथ्वी लक्षण बना रहे हैं, तो जिस पृथ्वी में जहां पर पटादे में पाक नहीं हुआ है ना, पृथ्वी में पाक होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि संपूर्ण पृथ्वी में पाक होता है। तो अभी हमने चर्चा की जो पट है उसमें, पट में पाक नहीं हुआ तो उसमें पागद स्पर्श नहीं है, तो पागद स्पर्शवत्व पटादे में नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, यदि भी पागद स्पर्श पटादो नास्ती तो हो गया अव्याप्ति, तो उसकी अव्याप्ति को वारण करने के लिए हम क्या करेंगे, तथापि ग्रंथकार बता रहे हैं पागद स्पर्शवद वृत्ति द्रव्य व्याप्य जाति मत्वम अर्थ बुद्धि, बस शैली यही है, पागद स्पर्शवद वृत्ति द्रव्य व्याप्य जाति मत्वम। तो पागद स्पर्शवद कौन हुआ, पक्को घट है, जिस घट में पाक हो गया है वो पागद स्पर्शवद हुआ, तद वृत्ति जो द्रव्य व्याप्य जाती है पृथ्वी तो जाती है, तार से जाति मत संपूर्ण पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्पर्शों का आधार बना करके भी पृथ्वी का लक्षण बना सकते हैं, जैसे गंध को लेकर हमने लक्षण बनाया, रूप को लेकर हमने लक्षण बनाया, रस को लेकर हमने लक्षण बनाया, उसी प्रकार से पागद स्पर्शों का आधार बना करके भी हम पृथ्वी का लक्षण बना सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा शब्द का लक्षण बनाना ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, वो अपने शिष्य को राजीव को सिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, नित्या नित्या चाद्वेदा नित्या शायद अनुलक्षणा, पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्या और अनित्या। ठीक है, दो प्रकार की पृथ्वी है, नित्या शायद अनुलक्षणा, नित्या इति सा पृथ्वी द्विविधा, दो प्रकार की पृथ्वी आप लोग जानते हैं, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। नित्या कौन है, अनुलक्षणा अर्थात परमाणु रूपा, जो पृथ्वी है वो नित्या है। देखिये अणु कहने से दो आता है, परमाणु भी अणु है और द्रणुक भी अणु है, इसलिए जब हम कार्य का केवल पढ़ते हैं अनुलक्षणा, तब ये संदेह हो सकता है कि अणुलक्षणा पृथ्वी कहने से तो परमाणु रूपा पृथ्वी को भी हम ले सकते हैं और द्रणुक रूप पृथ्वी को भी ले सकते हैं, इसलिए व्याख्या करते समय उन्होंने कह दिया अणुलक्षणा से आपको परमाणु रूपा पृथ्वी लेनी है, क्योंकि अणुत्व परिमाण जो है परमाणु में भी है और द्रणुक में भी है। ठीक है, परिमाण का परिचय आपने वीडियो देखा है तो उसमें व्याख्या की गई कि कौन कौन से परिमाण कौन कौन से द्रव्य में रहता है, तो अणु परिमाण, अणुत्व परिमाण द्रणुक में है, परमाणु में और मन में है। ठीक है, इसलिए तो कारिका के हिसाब से द्रणु का परिमाण भी नित्य होने लगेगा, कारिका के हिसाब से द्रणु भी नित्य होने लगेगा, अतः ग्रंथकार व्याख्या करते हैं कि परमाणु रूपा जो पृथ्वी है वो नित्या होती है। ठीक है, यही क्रम तर्क संग्रह का ने किया है, नित्य अनित्य च नित्य परमाणु रूप अनित्यकार रूप अनित्या तो तदन्यास्याद सैवा वैव योगिनी अनित्या तु, अब नित्या पृथ्वी कौन है, अनुलक्षणा अर्थात परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य है, तो तदन्या परमाणु रूपा पृथ्वी से अन्य जो पृथ्वी है वो अनित्य है, द्रणुकादि लेकर द्रणुक विषय द्रणुकादिश ब्रह्मांड उदाहरित, तो द्रणुक से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत संपूर्ण जो पृथ्वी है वो सब पृथ्वी अनित्य है, असैवा अवयव योगिनी वही जो पृथ्वी है वो अवयव योगिनी है। ठीक है, तदन्य परमाणु भिन्न पृथ्वी द्रणुकादि रूपा सर्वापि अनित्य इत्यर्थः, तो परमाणु से भिन्न जितने भी पृथ्वी है द्रणुकादि रूपा सभी पृथ्वी अनित्य है, और उसी को क्या कहते हैं, सैवा अवयव योगिनी, सैव अनित्य पृथ्वी एव अवयवती इत्यर्थ, वो पृथ्वी सावयवा है अवयवती है। ठीक है, जो नित्य पृथ्वी है परमाणु रूपा पृथ्वी वो सावयव नहीं है, वो निरवयव है, और जो द्रणुकादि रूपा पृथ्वी है
वो सब के सब पृथ्वी अवयवपति सावयव है। इसलिए नैया क्या कहते हैं, यत्र यत्र सावयवत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। जो भी पदार्थ सावयव होता है वो सब अनित्य होता है, ठीक है। इसलिए आत्मा का जब निरूपण हम लोग करेंगे, आत्मा को विभु क्यों मानते हैं प्रश्न आता है। जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा मान लो, विभु मानने की क्या जरूरत है। तो हम जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा मान लेंगे तो सावयव हो जाएगा आत्मा, ठीक है। तो सावयव होने के कारण उसमें अनित्यत्व की आपत्ति आएगी और आत्मा नित्य है, ठीक है। इस प्रकार से देणुकादि रूपा जो पृथ्वी है वो सब अवयवती है, सावयव है, इसलिए वो सब अनित्य है, ठीक। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कोई परेशानी है, स्पष्ट है, ठीक है। तर्क संग्रह जिन्होंने पढ़ा है उनको भी ज्ञात है। अब यहाँ पर आगे एक विचार आ रहा है, अवयवी सिद्धि की बात हो रही है, तो उस पर हम विचार करते हैं। न तो अवयविनी किम मानम परमाणु पुंजेरिये वो पपत्ते है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं आज थोड़ा यहीं पर रखता हूँ।